जबलपुर से दो नाबालिग लड़कियों को बहलाकर ले जाने और उनमें से एक से शादी करने वाले आरोपी को जबलपुर पुलिस ने पन्ना जिले से गिरफ्तार कर लिया है और दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 26 जनवरी को घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियां अचानक घर से गायब हो गई थी। लड़कियों के परिजनों ने इस संबंध में घमापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तब मालूम हुआ कि लड़कियों के पड़ोस में रहने वाले राजेश और उसकी महिला मित्र भूरी बाई भी उस दिन से घर से गायब है। पुलिस ने राजेश को खोजना प्रारंभ किया तब उसका सुराग पन्ना जिले के गांव गिन्नौद में मिला। राजेश का सुराग मिलते ही जबलपुर पुलिस ने गिन्नौद गांव में छापा मारकर राजेश और उसकी महिला मित्र भूरी बाई को गिरफ्तार कर लिया और दोनों नाबालिग लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी राजेश ने बताया कि उसने एक नाबालिग की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया है। वह अभी तक 6 लड़कियों के साथ इस तरह का विवाह कर चुका है। पुलिस का मानना है कि राजेश मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इस वजह से ऐसी हरकत कर रहा है। फिलहाल आरोपी राजेश और भूरी बाई से जबलपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। गणेश चौक घमापुर के रहने वाले सोहन लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी जो दो बच्चियां जो है, एक 14 साल की और एक 7 साल की, दोनों नाबालिग बच्चियां जो है, उसको कोई बहला फुसला कर ले गया है घर से। संदेह व्यक्त किया था उन्होंने कि उनके पड़ोस में रहने वाले राजेश और एक राधा बाई करके हैं, ये दोनों भगा कर ले गए। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, तो हमने सतना में भी हमने पता करवाया था, तो हमको पता चला था कि ये लोग वहीं से आए हैं और वहीं पर आसपास रहकर भीख मांगते हैं। तो इसके पहले हमारी एक टीम रवाना थी वहाँ पर, वहाँ हमने काफ़ी पूछताछ की लेकिन इनका कोई पता नहीं चला। फिर इस बीच में हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रही, फिर हमको जानकारी ये मिली कि जो राधा बाई है वो गुनौर की रहने वाली है, पन्ना जिला की। तो गुनौर में जाके पता चला कि ये पड़ेर करके गाँव है, वहीं पर वहाँ पर कहीं रह रहे हैं ये लोग अपना टेंट वगैरह बना के। तो वहाँ फिर वहाँ तलाश पताशी की, तो रात में लगभग 2-3 बजे हमको मिले वहाँ पर। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।